गाइस वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया की नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मात्र 12 से 15 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कई सारे क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। कल दोस्तों नेटवर्क इश्यू की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमें कल 1 तारीख और 2 तारीख का कई क्वेश्चन है जो कि कवर करने थे। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 1, 2 और 3 तीन दिन का जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आज के वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि 2 दिन का हमें कवर करना है, तो 15 से 20 यानी कि 30 क्वेश्चन के आसपास है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं कल क्लास करवाता तो आपको 1 और 2 अगस्त की करवाता और कल नहीं हो पाई, तो अब हम लोग 1, 2 और 3। ओके गाइस, 3 दिन का करंट अफेयर के कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप रेफरल कोड लगा सकते हैं BHU10 या पुनेश 10, जिससे आप घर बैठे 10% ऑफ पा सकते हैं UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम के लिए। और अगर आपको GK पढ़नी है PCS तक के लेवल के लिए, तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट GK पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ का आपको फ्री भी मिलता है। आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है, मोबाइल नंबर डालना होता है, उसके बाद में गोल सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी एग्जाम आपका गोल है 30+ एग्जाम में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 महीने, फिर नीचे की तरफ आपको BHU10 है जो कि आपको लगाना है। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 2 अगस्त को कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी है जो कि लॉन्च करेगा। आप सभी को मालूम है, कल हमने पढ़ा भी था कि ई रूपी किसके द्वारा, हमारे मोदी जी के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च है जो कि किया जा रहा है। समझ गए मेरी बात। हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि एक कैशलेस पेमेंट है जो कि आप कर सकते हो। ओके, कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए, QR कोड के SMS के माध्यम से आप ई वाउचर है जो कि भेज सकते हो। NPCI के द्वारा इसको बनाया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। UNSC का मुख्यालय कहां पर है? आपको मालूम है 10 नॉन परमानेंट मेंबर बनाए गए हैं, 5 होते हैं आपके परमानेंट जिनको P5 कहते हैं, तो 10 में दोस्तों हम भी हैं और हम लोग 8वीं बार है दोस्तों जो कि इसके मेंबर बने हैं। प्रेसिडेंट मतलब इसके जो है 10 मेंबर में से एक बने, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम है तिरुमूर्ति जी। तो उन्होंने सिग्निफिकेंस बताई कि भारत जो है पहुंचेगा, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो काफी मदद है जो कि करेंगे। यूएनएससी की बात करें, 45 में फॉर्मेशन हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये सारे देश है जो कि इसके परमानेंट मेंबर है, 1, 2, 3, 4 और एक आपका UK, 5 तो उसके परमानेंट हो गए, बाकी नॉन परमानेंट भी है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का जश्न मनाने के लिए देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार किस तारीख को मनाया जाता है? मुस्लिम वुमेन राइट डे, इसके बारे में आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा, कितनी तारीख को मनाते हैं? 1 अगस्त को, 2 साल है जो कि मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन दोस्तों ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म किया गया था। समझ गए मेरी बात। चलिए, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो राजीव रंजन सिंह जी है दोस्तों, जिनको अभी रिसेंटली नेशनल प्रेसिडेंट है जो कि बनाया गया है। ओके गाइस, केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रक्रिया पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि है जो कि प्रदान करी है? ओके, स्टेट और यूटी अंडर इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज, आंसर क्या हो जाएगा? 1800 करोड़ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सेंटर ने अप्रूव किया है दोस्तों अराउंड 1828 करोड़ रुपए स्टेट और यूटीज के लिए कोविड पेंडेमिक से वापस से लड़ने के लिए। 31 जुलाई को भारत और किस देश के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 12वां दौर आयोजित किया गया था? आप सभी को मालूम है कि अभी इंडिया और कौन से देश के बीच में प्रॉब्लम चल रही है ताकि कमांडर मीटिंग हो सके, चाइना। हमने एक हॉटलाइन भी बनाई है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ सॉरी कोरिया क्या, नॉर्थ सिक्किम के अंदर, ठीक है, बात करने के लिए। ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कोकोनेट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल, इसके तहत कितने मेंबर हैं जो कि इसके अंदर बना दिए जाएंगे? कोकोनेट डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो पहले 4 मेंबर, अभी इसको 6 कर दिया गया है, तो बी आपका सही आंसर है। 1979 में कोकोनेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था ताकि कोकोनेट का प्रोडक्शन बढ़ सके, कल्टीवेशन बढ़ा सके, एक्सपोर्ट बढ़ा सके। समझ गए,
आंध्रा गुजरात यहां से नॉमिनेशन है जो कि रिप्रेजेंटेशन का किया जाएगा। भारत और अन्य देश ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य में दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर करे। इंडिया और कौन से कंट्री ने साइन किया है सेकेंड अमेंडमेंट, ओके, जिसमें गाइडिंग प्रिंसिपल और ट्रायंगुलर कॉपरेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करेगा। ये आंसर हो जाएगा आपका यूएस। इंडिया ने यूएस के साथ में दोस्तों सेकेंड अमेंडमेंट है जो कि किया है। ठीक है गाइस, जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी यूएस डॉलर है। गृह मंत्री अमित शाह कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 1 अगस्त को निम्नलिखित में से किस राज्य का दौरा करेंगे? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो विजिट करेंगे उत्तर प्रदेश, लॉन्च करेंगे वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फाउंडेशन स्टोर जो है वो यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का भी रखा जा रहा है, मां विद्यावासी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी रखा जा रहा है। ठीक है, यूपी की बात करें, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, योगी जी सीएम है, लखनऊ कैपिटल है, ओके, 404 विधानसभा, 80 लोकसभा, 41 राज्यसभा, 75 डिस्ट्रिक्ट, काशी विश्वनाथ वाराणसी टेम्पल है, ओके, और बांध में रिहांद और गोली गोविंद वल्लभ पंत हो गया, है ना, राजघाट हो गया, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दुधवा नेशनल पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नरोरा एटमिक पावर स्टेशन भी जरूरी है। देश ने प्रति मिलियन लोगों पर टीकाकरण के मामले में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगर मैं दोस्तों पर मिलियन पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो नंबर वन टीकाकरण में कौन है? गुजरात। ठीक है गाइस, तो ऐसा बोला गया है कि गुजरात ने टॉप पोजीशन हासिल करी है, 5,17,000 लोगों को वैक्सीनेट है जो कि 10 लाख लोगों में किया गया है। ठीक है गाइस, 3.75 करोड़ लोगों की वैक्सीन लगा दी गई है। गुजरात के आचार्य देवव्रत गवर्नर है, विजय रूपानी सीएम है, गांधीनगर कैपिटल है, ओके, 182 विधानसभा, 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 33 डिस्ट्रिक्ट है, 6 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, और कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन, है ना, ये सारे महत्वपूर्ण, ककरापुर हो गया, ये सारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन पत्रकारों के परिवारों को कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करी है जिन्होंने कोविड की दूसरी लहर में अपनी जान गंवाई? पत्रकारों को दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री ने, आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 करोड़ रुपए देने के लिए बोला है। टोटल की बात कर रहा हूं मैं, एक पर्सन इंडिविजुअल को नहीं, टोटल जितने भी परिवार हुए ना, जिनके जर्नलिस्ट के परिवार के में किसी जर्नलिस्ट की मृत्यु हुई है, तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा 10 लाख रुपए की हेल्प है जो कि फैमिली को देने को लेकर बोला है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में लद्दाख में डैश ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चालू किया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है गाइस, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कमीशन किया 40 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन सक्सेसफुली लद्दाख के अंदर। ठीक है गाइस, चलिए, और पावर ग्रिड की बात करें, फॉर्मेशन भी काफी पहले हुआ, 89 में गुड़गांव में हेडक्वार्टर है। चलिए, डैश ने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं सहित उद्योग के साथ साझेदारी में टीकाकरण कार्यक्रम को गति देने के लिए एसएसआई के साथ में समझौता किया है। इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लेकर बात करी जाए तो रिसेंटली सीआईआई के साथ में एक करार है जो कि एसएसआई ने किया है। ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अदर पूनावाला सीईओ है, साइरस पूनावाला फाउंडर थे, 66 में फॉर्मेशन हुआ। सीआईआई की बात करें तो नरेंद्रन है जो कि प्रेसेंट है, और 1895 में इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मान कौर के निधन पर दुख व्यक्त किया जो एक प्रसिद्ध डैश थी। आंसर क्या हो जाएगा? एथलीट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने एक्सप्रेस किया है दोस्तों डिमाइज ऑफ मान कौर। मान कौर एक बहुत ही फेमस एथलीट रही, स्प्रिंटर रही, स्पोर्ट्स वुमेन रही, और 105 साल की उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है गाइस, वर्ल्ड मास्टर्स गेम के अंदर इन्होंने 100 मीटर के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस है जो कि करी थी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? क्लाइंबिंग डे के बारे में बात करें तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, ऑनर करने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट की माउंटेन के ऊपर एक बॉबी और एक जॉश करके दो फ्रेंड थे, उन्होंने स्केल किया था, इसीलिए दोस्तों उनके बनाया गया। पहली भारतीय वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया बछेन्द्री पाल थी, 1984 के अंदर इन्होंने 30 साल की उम्र के अंदर किया था।
राष्ट्रपति वेंकैया नायडू निम्नलिखित में से किस राज्य के 5 दिवसीय दौरे पर हैं? 5 दिवसीय दौरे की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है गाइस, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है वो 5 दिन के ऑफिशियल विजिट पे हैं, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है, स्टालिन जी थे, ओके, वहां पे इसको लॉन्च किया गया। मोदी जी ने 3 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में पीएम JKAY के लाभार्थियों के साथ में बातचीत करी? प्रधानमंत्री ग्रामीण किसान विकास योजना के बारे में बात करी गई है। ये रिसेंटली जो बात करी है वो गुजरात के लोगों के साथ में बात करी गई मोदी जी के द्वारा, गरीब कल्याण अन्न योजना के लोगों के, किस किस को मिला है, नहीं मिला है खाना, 5 किलोग्राम एडिशनल फूड ग्रेन, है ना। आचार्य देवव्रत गवर्नर है, विजय रूपानी सीएम है, गांधीनगर कैपिटल है। निम्नलिखित में से किसने नए लेखा महानियंत्रण के रूप में कार्यभार संभाला है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कल ही बताया था मैंने इसके बारे में आपको, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जो कि दास साहब को बनाया गया है, तो दीपक दास आपका सही आंसर होगा। 25वें दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है ये बने हैं, ICAS ऑफिसर है। सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड जो रीढ़ की हड्डी की चोट वाले लोगों के लिए सोलर बेड लॉन्च करने के लिए आ गया है, डैश में स्थित है। सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड, आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेंगलुरु बेस्ड सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सोलर बेड जो है वो लॉन्च कर रही है स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी वाले लोगों के लिए। ओके चलिए, हावेरी जिला प्रशासन ने डैश में हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वात्सल्य स्वास्थ्य योजना जांच शिखर का आयोजन किया है। वात्सल्य हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर दोस्तों, हावेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाया गया। थावरचंद गहलोत गवर्नर है, बम्बई जी अभी दोस्तों यहाँ पे बम्बई सीएम बने, बेंगलुरु कैपिटल है। टोक्यो ओलंपिक में 9.80 सेकंड में 100 मीटर स्वर्ण पदक जीतने वाले लेमोन जेकब किस देश से संबंधित है? तो भाई देखो, उसेन बोल्ट तो चले गए, अभी जेकब ने दोस्तों बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और ये इटली के दोस्तों रेसर है जो कि माने जाते हैं। ओके गाइस, 9.80 मीटर में 100 मीटर इन्होंने 9.80 सेकंड में। ओके, इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो, कैपिटल है रोम और यूरो यहाँ पे करेंसी है। कमलप्रीत कौर जो चर्चा में, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? सभी को मालूम है दोस्तों ये एथलीट है, डिस्कस थ्रो की बहुत ही जबरदस्त प्लेयर मानी जाती है। फाइनल में डायरेक्टली इन्होंने क्वालिफाई किया क्योंकि जो बेंचमार्क था 84 मीटर का उसको डायरेक्टली पार किया। ठीक है गाइस, 64 मीटर का बेंचमार्क को पार कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई है? सभी को मालूम है, पीवी सिंधु, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। ओके, रियो में सिल्वर, अभी ब्रॉन्ज मेडल है जो कि इन्होंने जीता है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने 2 मेडल जीते। भारतीय महिला हॉकी टीम ने डैश को हराकर पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने दोस्तों रिसेंटली जो है किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा के इतिहास रच दिया और पहली बार दोस्तों सेमीफाइनल के अंदर जो है वो पहुंचे हैं, बहुत ही बड़ी बात है मतलब। ओके, और जो पुरुषों की टीम है वो भी 49 ईयर बाद में जो है सेमीफाइनल के अंदर पहुंची है, रानी रामपाल है जो कि लीड कर रही है अभी वुमेन टीम को। म्यांमार की चुनी हुई सरकार से सत्ता हथियाने के बाद म्यांमार की सेना ने कितने वर्षों के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है? तो दोस्तों आपको आपको मालूम है म्यांमार में जो है रिसेंटली तो पूरी मिलिट्री कंट्रोल कर रही है और अभी ये 2 साल के लिए इन्होंने आर्मी के अंदर पावर को खुद को बढ़ा दिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिले कर दिया है। रैपिडो कैपिटल है, करेंसी का हेड है। भारत ने हाल ही में अश्वगंधा के नैदानिक परीक्षण के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? इंडिया ने दोस्त किसके साथ में कोलैबोरेट किया है अश्वगंधा के ट्रायल के ऊपर दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका यूके। डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइस, आयुष मिनिस्ट्री ने कंडक्ट किया है ट्रायल अश्वगंधा के कोलैबोरेशन विद द यूके लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। ओके गाइस, लंदन कैम्बेस का कैपिटल है, यूके का कैपिटल लंदन है, पाउंड जो है यहाँ पे करेंसी है और बोरिस है जो कि यहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने उनके साथ में एमओयू साइन किया है ताकि ट्रायल है जो कि अश्वगंधा पे कर सके। अश्वगंधा एक्चुअली के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को काफी बेटर बनाता है, तो वहाँ पे टेबलेट बनाई जाएगी, 1 महीने के लिए दी जाएगी और टेस्ट किया जाएगा लोगों पे। पिछले 6 महीनों में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड हासिल करने वाले 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। टॉप ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा जनरेट करे? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा कार्ड है आयुष्मान कार्ड जो कि बनाए गए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी? नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ में जो मीटिंग करी गई वो मनसुख मंडाविया जी की करी गई है, और हमारे अभी फैमिली और हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर है जो कि ये बन चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप BHU 10 या भुवनेश्वर लिखकर 10% ऑफ है जो कि पा सकते हैं। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, PDF इन सभी के लिए आपको अकेडमी ऐप लर्नर डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पे आप SSC, UPSC जो भी आपका एग्जाम है सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएं, 12 या 24 महीने पे जाएं और BHU 10 है जो कि नीचे आपको लगाना है। ठीक है गाइस, चलिए अब बुक अ न्यू बुक टाइटल्ड माई ओन मजागॉन हैज बीन ऑथर्ड बाय हूम। तो ये किताब दोस्तों किसके द्वारा, मजगांव किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, 8 बजे क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।